अंबाला आएगा, ओ माय गॉड, लेफ्ट पर यार एक्सीडेंट हो रखा था बड़ा भयंकर सा, गाड़ी पूरी डिवाइडर में घुस गई थी। वाव हो गया भाई, वाव, मतलब वाव है यार, ये इतनी भयंकर बर्फ है और ये जेसीबी तोड़ रही है बर्फ निकालने के लिए, तो ये रास्ता मतलब इसीलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की टू ड्राइव। सो गाइस, मैं निकल पड़ा हूँ एक और जगह, ट्रिप होगा यार ये काफ़ी एडवेंचरस। पहला स्टॉप है वो है यहाँ से, जो दिल्ली से निकल रहा हूँ तो अभी मूर्थल पहुँचूंगा, वहाँ पे मेरा फ्रेंड है गौरव नागर, तो वो मुझे मिलेगा और उसके आगे फिर हम जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी में आपको सारा सामान दिख ही जाएगा, पूरा भरा हुआ है। तो प्लान ऐसा है कि यार मेरी कोशिश है कि मैं सातों दिन गाड़ी में ही रहूँगा, तो देखते हैं कैसे रहता है। सब कुछ है, खाने वाने का, पानी का, सारा है, सारा का सारा अरेंजमेंट है अच्छे से। बट ये कि हाँ, डिफ़िकल्टी फिर भी होने वाली है, जहाँ डेस्टिनेशन है और इनफैक्ट अभी जहाँ पहला पहुँचना है 14 घंटे की ड्राइव के बाद, वो जगह है चितकुल, तो वहीं पर टेम्परेचर होगा अराउंड -10 तक, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर -20 -25 तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं यार ट्रिप कैसा रहता है। अभी तो यहाँ से निकलता हूँ मैं और कहाँ पहुँचता हूँ, पहले मूर्थल और उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, हर हर महादेव। घर से निकले हुए अभी 2 मिनट हुए हैं यार, और ट्रिप मीटर ज़ीरो करना भूल गया था, वो मैंने कर दिया है। टाइम हो रहा है 1:43, मूर्थल पहुँचने में 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी में तेल भी भरवाना है। और ये आगे का रास्ता, जो कि मैं आ गया हूँ आउटर रिंग रोड पर, जो यहाँ से सीधा कनेक्ट करेगी पश्चिम विहार, रोहिणी और आगे बाईपास। तो अभी है 1 घंटा लगेगा पहुँचने में अमरीक सुखदेव। ये है पहला जो हमारा दिन का टूर होगा, 14 घंटे 57 मिनट्स दिखा रहा है अभी यार, इतनी दूर है। जगह कौन सी है? चितकुल। तो मेरे घर से ये ऑलमोस्ट 15 घंटे ही हो गया, क्योंकि निकले हुए मुझे 10 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो इतनी दूर है ये रास्ता। अभी तो मैं रोहिणी भी नहीं पहुँचा हूँ इनफैक्ट। अब आ चुका हूँ मैं बाईपास से, लेफ्ट ले लिया है बेसिकली, और जीटी करनाल रोड पे आ चुका हूँ। तो अब 10 मिनट में दिल्ली बॉर्डर आ जाएगा, उसके बाद 15 और मिनट में अमरीक सुखदेव आ जाएगा, जहाँ पर मुझे रुक के वेट करना है गौरव का। मैंने सोचा यही बता दूं टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 2:31। सामने अपने अमरीक सुखदेव और गौरव से बात हुई है, वो कह रहा है अभी टाइम लगेगा उसे आने में, कितना और 25 मिनट। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं नैप ले लेता हूँ यार एक। भाई यहाँ जब आओ ना साला, तब मीला लगा रहता है, कहाँ कहाँ हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी है, हर जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ रहती हैं, जब देखो यहाँ मेला ही है। तो अब हमारे पास तो है जी 25 मिनट, अब मैं लेता हूँ एक बढ़िया सी नैप 25 मिनट के लिए, क्योंकि सोऊंगा तो अच्छा लगेगा यार। टाइम हो गया है 3:03 और गौरव आ गया है, गौरव की गोरखा वो रही सामने, थोड़ी सी दूर है अभी तो नज़र भी नहीं आ रही होगी, बट अभी हम उसके पास पहुँच जाएंगे फिर वो नज़र भी आ जाएगी, वो रही सामने उसकी गोरखा। कहाँ पर? यहाँ पर। और अब बस मुझे एक बार डीजल फिलअप कराने हैं, रास्ते में कहीं मिला नहीं तो वो करा के फिर बस निकल जाएंगे आगे सीधा नॉन स्टॉप। चली भाई दोनों ही गाड़ियाँ, लक्की टू ड्राइव, ये है मेरा चैनल, सामने है गौरव और वो है उसका चैनल फैमिली राइड्स, और भाई ये है गौरव की गाड़ी, जो भाई हमारी जो नॉर्मल गोरखा है ना उससे है कति बढ़िया, क्यों? क्योंकि यह और ऊंची और टायर भी लगा रखे हैं इसने भयंकर, तो इसको स्नो चेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मुझे पक्का स्नो चेन की जरूरत पड़ने वाली है इस गाड़ी में, क्योंकि यार फर्क नहीं है इन टायरों में, ये टायर है क्या है इसका 245/70 R16, और फिर ये लगे गौरव की गाड़ी में ये टायर 285
75R16 यार, कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये कह रहा है डिफरेंस है ही कहाँ। अब ये डिफरेंस नहीं होगा तो और कैसे डिफरेंस होगा भाई, बताओ। चलो भाई, चलो भाई, अब आगे यहाँ से सीधा कहाँ रुकना है? सीधा शिमला से पहले रुकना है? चलो शिमला पार करके रुकना। कॉफ़ी वॉफी कुछ बीच में चाय वाय पीने के लिए रुकना पड़ेगा? ठीक है, कहीं रुक के अपना वहीं पे बना लेंगे, 2 मिनट में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, हर हर महादेव। भाई सीन ऐसा है कि कुछ भी प्लान कर लो, एट द एंड होता वो महादेव के अकॉर्डिंग ही है। चलते चलते यहाँ वॉल लीक कर गया, अब वॉल सेट किया जा रहा है, और उसके बाद जब वॉल सेट हो जाएगा उसके बाद हवा फिर चारों टायरों में चेक होगी, अपनी गाड़ी में भी होगी, उसके बाद फिर निकलेंगे हम आगे। तो भैया कुछ भी हो सकता है यार, चाहे कुछ भी प्लान कर लो, एट द एंड तो जो भोलेनाथ जी ने कराना है होना वही है। हवा भराने के बाद निकल गए यार आगे, अब हो क्या रहना है यार। पहले तो गौरव लेट आया था थोड़ा, उसके बाद फिर उसकी गाड़ी में हवा कम लग रही थी, पता चला मेरी गाड़ी में भी कम थी। अब उसके बाद निकल गए हैं यहाँ से, अब सीधा शिमला तक तो पहुँचे ही यार, वरना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे चलते चलते ना। करनाल आ चुका है अब, और 20 किलोमीटर का ही फ़र्क है, क्योंकि 100 किलोमीटर पे तो पानीपत था। ओह माय गॉड, लेफ्ट पर यार एक्सीडेंट हो रखा था, बड़ा भयंकर सा, गाड़ी पूरी डिवाइडर में ही घुस गई थी यार। फॉग ना ऑन एंड ऑफ चली जा रही है, और फिर भाई एकदम से डेंस हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी, तो यही खेल चल रहा है यार फॉग का। अब मुझे लगता है यार ये चंडीगढ़ तक ना यही चलेगा, आई एम श्योर। उसके बाद पहाड़ों पे भी रहेगी, पर ठीक है पहाड़ों पे ऑफिस से आप इतनी तेज वैसे भी चलाते हो, मेन तो यहाँ पे जो वो लैंड मतलब हाईवेज हैं जो आपके प्लेन एरियाज में, वहाँ पर थोड़ा इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये है टर्न जहाँ से हम लेंगे राइट और निकल जाएंगे शिमला की ओर, सीधा जाएंगे कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 5 फॉर 800 मीटर्स। और चंडीगढ़ में पहुँचना तो वैसे ही खतरे से खाली नहीं रहता यार, क्योंकि चलान होते हैं वहाँ दबा के, सारी बात ये है। हिमाचल प्रदेश स्टेट में एंटर कर चुके हैं, और शिमला अभी भी होगा अराउंड 75 किलोमीटर यहाँ से, तो अभी धीरे धीरे ही जाएंगे यार। अभी तो रुकेंगे बीच में, देखेंगे खाना वाना क्या खाना है, घर से लेके आए हुए हैं सारे के सारे, तो पहले वही खाना खाया जाएगा और उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा और क्या करना है। बट हाँ, कोशिश यही है कि आज हम चितकुल तो पहुँच जाएँ। ईजी नहीं होगा यार, बट ट्राई ज़रूर करना है कि चितकुल पहुँच जाएँ। मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि नॉन स्टॉप भी जाएंगे तो दिखा रहा है गूगल अराउंड 6 बजे, और यार स्टॉप लेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो पड़ के और लेट हो जाएगा 7 और 7 यार, फिर अंधेरा हो जाएगा, और पहाड़ों में यू नो अंधेरे में गाड़ी चलाना वी ऑल नो कितना सेफ है। तो सोलन आएगा पहले अभी, जो कि है 37 किलोमीटर्स यहाँ से, और मतलब बेसिकली वो हमेशा मिडिल पॉइंट ही बोला जाता है जब आप आते हो, तो पहले सोलन आएगा, वहीं से आप लेफ्ट को निकल सकते हो, एक जगह है कसौली की तरफ, बट अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो फिर आप सीधा जाओगे शिमला की तरफ। तो अब हम बढ़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सोलन की तरफ। हर हर महादेव। यार ठंड लगने लग गई है अभी, टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर यार अभी तो चेक भी नहीं किया भाई, बढ़िया वाला ही होगा। एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ देख के। हैं यहाँ का शो हो रहा है अराउंड 4 के करीब, तो धीरे धीरे जो है ना टेम्परेचर और गिरता जाएगा, और
शिमला में ही होगा आराम से यार, एक या दो। उसके बाद आगे कुफरी और नारकंडा में तो मस्त होगा भाई, बहुत ज़्यादा। पीछे तो गौरव कह रहा है, कह रहा है गाली गलौज दे सकते हैं यार। मैं कहा यार ब्लॉग में गाली गलौज छोड़ना चलती है, अब बताओ क्या समझाएं गौरव को भी। ना भाई गौरव नहीं दे सकते। तो बस अब यहाँ से जाएंगे यार आगे, ठंड यहीं इतनी लग रही है तो सारा आगे क्या हाल होगा समझ के पड़े हैं। तो भाई समझ नहीं आ रहा वह कितनी ठंड होने वाली है। मैं गौरव कोई विशेष टिप्पणी देते भाई, अब जा रहे हैं आगे जहाँ बढ़ रहे हैं, जहाँ का रास्ता है वहाँ के बारे में है भाई। गौरव कोई विशेष टिप्पणी, यही ठंड हो रही है तो वहाँ क्या हाल होगा, क्या लग रहा है? यही हालत खराब हो रही है भाई यार। हाँ भाई बर्फ कितनी आगे मिलेगी अभी? अरे अब बस शिमला खत्म हुआ रही, हालत खराब शुरू है। हाँ, तो यही हो रही है। तो बस आके बुरा हाल हो जाएगा, बस टेंशन लेना पड़ेगा। हालत खराब है भैया, बढ़िया वाली। अब बस यहाँ से चलेंगे यार आगे। प्राचीन शिव मंदिर, ये है प्राचीन शिव मंदिर शिमला से सोलन जाते हुए। हर हर महादेव। आते हुए यहाँ रुक जाएंगे, अभी जाते हुए हम सीधा जा रहे हैं पहले, पर आते हुए जरूर रुकूंगा मैं यार। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही लेना बनता है। ठंड हो रही है यार बहुत ज्यादा, पर मैंने सोचा थोड़ा सा आगे जाके आपको व्यू दिखाता हूँ यार। यहाँ से ना और अमेजिंग व्यू आएगा यार, पूरा बादलों से ढका हुआ है। मुझे जस्ट इमेजिन, नीचे घर होंगे जो वो सोच रहे होंगे यार क्या बादल ही बादल हैं और बारिश हो गई है जो भी है, और जो ऊपर हैं भाई उनको तो पता ही नहीं कि होगा क्या। लगता बड़ा अमेजिंग है यार जो भी कह लो। अरे यार ये तो वाव हो गया भाई, वाव मतलब वाव है यार ये, सीरियसली यार। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ, मतलब ऐसा कुछ आपने कितनी बार देखा होगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पहाड़ों पे जाते ही रहता हूँ, बट यार जब भी दिखता है ना मन करता है हमेशा दोबारा रुकना ही पड़ेगा एक बार और। सोलन 7 किलोमीटर्स, शिमला 53, तो शिमला पहुँचने फिर भी 3 घंटे लग जाएंगे। अभी ये राइट और ये लेफ्ट में जितना भी है सारा एरिया ये है सोलन सिटी, एंड बिलीव मी काफ़ी बड़ी सिटी है यार, ये बहुत बड़ी सिटी है ये भी, मतलब शिमला के बाद यही सिटी होगी जो कि बहुत बड़ी है इस पूरे रूट में, और तो बाकी बहुत छोटी छोटी सी कोई सिटी आएगी तो आएगी, बट ये बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ ये नीचे तक पूरा पहाड़ के उस साइड सारा फैला हुआ है। जिस दिन वो पिलर जो है वो जब एक ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा ना पूरा, तो यार जस्ट इमेजिन कितना अमेजिंग लगेगा यार। तो काफी हाइट पे है वो, कम हाइट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होगा वो ब्रिज, वाओ मुझे लगा था वहीं पर है, बट वो ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होगा और वो आगे तक जाएगा डायरेक्टली, और उसके बाद भी लोग हैं जो कहते हैं भाई प्रोग्रेस नहीं हो रही। भैया देख लो इसे प्रोग्रेस ही कहते हैं, अगर किसी और को कुछ और समझ आता हो इसका मतलब तो मुझे भी जरूर बता देना। भाई कहाँ है भसड़ वाला, लेकिन गौरव कह रहा है अगर भसड़ वाला कहाँ भी दिख गया तो सारा किया क्या। तो ये है भाई कैनियों में डीजल पड़ा है, जेरी कैन, यू नो द डीजल इज हियर इन द जेरी कैन, सो और ये अब डल रहा है यहाँ पे। अरे ये भाई ये गया स्विफ्ट वाला, ये क्लच प्लेटें उड़ा के जाएगा अपनी, पक्की बात है जिस हिसाब से गह रहा है वाजे करके। तो अब ये भैया जा रहा डीजल बना रहे भैया जुगाड़, पर चक्कर ये है ना इधर पर, इधर पीछे पंप आगे पंप, दुनिया पूछ रही है जुगाड़ बना के बना के रहे हो। जीवन का दूसरा नाम जो ना जुगाड़।
भाई साहब सारा डीजल घाल दिया भाई। अब सोच तीन बंदे लगे हुए हैं डीजल को डालने में, अब अकेला वैसे दिखा रहा वीडियो में। हेल्पिंग है। अच्छा ये तो हेल्पिंग हैंड है भाई, ये कुछ ना कर रहा। पागल पागल तो कैसे कहने लगे खड़े को बालक हो। अपना एक चीज अच्छी हो गई और वो ये क्या है कि बेसिकली गूगल मैप में बता रहा था कि अगर आपको शिमला जाना है, वो सॉरी नारकंडा जाना है, तो आपको कहाँ से होके जाना पड़ेगा, शिमला से, शिमला से कुफरी, कुफरी से नारकंडा। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है ना यार, वो ये हुई है कि मैंने कहीं बोर्ड पे यहाँ पढ़ा था, अभी शिमला आया नहीं था, शिमला था अराउंड 13-14 किलोमीटर, उससे पहले ही बोर्ड पे लिखा था कि राइट साइड को है कुफरी और नारकंडा। तो आई थिंक ये बाईपास है, शिमला बाईपास। तो यार ये मुझे नई रोड पता लगी है, पहले नहीं पता थी और गूगल भी नहीं बता रहा था यार, कमाल की बात तो ये है। तो अब ये नई रोड पता लगी है और सीधा हमने यही रोड ले ली है, तो मोस्ट लाइकली ये शिमला बाईपास है तो ये ज़्यादा बेटर ही होगी। उसका रीज़न ये है कि यार शिमला जितना क्लोज आता जाते ना उतना ट्रैफिक बढ़ता जाता है। तो अब इस रोड पर तो कोई है ही नहीं, सन्नाटा बिल्कुल खाली, क्योंकि भाई पहले सारे शिमला ही जा रहे हैं, हमने ये रूट ले लिया। तो ये रूट अच्छा है यार, बढ़िया रूट है और अब इस पे जा रहे हैं हम आगे। और रास्ता देखो यार बिल्कुल खाली, अभी इतनी भीड़ थी और बिल्कुल खाली हो गया है। तो अब वो दो एक चीज़ है यार जो ध्यान रखना, शिमला बाईपास अगर आप लेते हो ना रोड, तो यहाँ पे कहीं साइन है ही नहीं, कहीं पर भी कोई साइन नहीं दे रखा कि उसके बाद कौन से रास्ते लेने। तो कहीं भी आपका यू नो जा रहे हो और आपको दो रास्ते दिखेंगे तो आपको पूछना ही पड़ेगा किसी ने कि कहाँ जाना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप हो सकता है भाई गलत रास्ते में भी चले जाओ। तो हर जितने भी लेफ्ट और राइट दोनों आ रहे हैं, तो मैं यू नो हर बार पूछ रहा हूँ कि हाँ कौन सा रास्ता है जो कुफरी या नारकंडा के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट अगर आप यार आ ही कब रहे हो ऐसे टाइम पे रात है, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल आपको ढंग से बता नहीं पाएगा। मुझे भी गूगल यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से वापस यू टर्न ले लो, अभी तक यही सजेस्ट कर रहा है। चलो भाई चलो, अब बार बार ना रुकना पड़ जाता है, क्यों कईयों के गॉल ब्लैडर ना जो है यहाँ पे कम है काफी भाई, ये तो बार सच बताना है, मंदिर बार बार रुकवा देते। ना ना ना, कितना पानी पिया तुमने सच बताना पूरे रास्ते अभी तक। यार ये क्या बात, पानी कितना पिया और कितना नहीं पिया भाई, मुद्दा बात ये है कि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं रुक नहीं रहा भाई। ट्रैवल के लिए पानी पियोगे तो मुतना तो जाओगे। अब यार भाई बात ऐसे तो मुझे भी प्यास तो, कौन सी नली लगा के बोतल में डाल रखी है भाई, तो पानी फिर कम पीना पड़ेगा ना थोड़ा ट्रैवल में, यार ऐसे तो करना पड़ेगा ना। चलो भैया आगे बढ़े, अभी यार देखो मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड में मेरे यहाँ पूरी ना अभी से बर्फ़ बढ़िया है, तो आगे बहुत अच्छा होगा हिसाब किताब बढ़िया वाला। तो बस आगे जा रहे हैं हम, तो खैर कुफरी नहीं, हम तो आगे जाएंगे कुफरी से। यार आगे का व्यू देख लो यार, लोगों को तो यहीं इतनी बर्फ़ दिख गई है कि मुझे लगता नहीं ये लोग कहीं और जाने की सोचेंगे भी, बट जहाँ की हम सोच रहे हैं वो भाई बहुत ही अलग सोच है। बट जस्ट लुक एट दिस यार, तो यहीं पे इतनी बर्फ़ मिल गई है, लोग यहीं पे अपना पिकनिक स्पॉट मना रहे हैं एंड यू नो आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ से। बट हमें तो यार बहुत आगे जाना है भाई, और ये तो कुछ नहीं है, जो हमने बर्फ़ देखनी है वो इससे नेक्स्ट लेवल देखनी है। रोड पे ऑलरेडी बर्फ़ जम चुकी है और ये ब्लैक आइस पे अगर हो गई कन्वर्ट धीरे धीरे तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए अब स्लो एंड स्टडी वाला खेल है, तेज आप जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ियाँ स्केट करेंगी गंदी वाली। भाई ये है हाल रोड का, बर्फ जम रखी है, कितनी भयंकर, इतनी भयंकर बर्फ है और ये जेसीबी तोड़ रही है बर्फ निकालने के लिए। तो ये रास्ता मतलब इसीलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो यार आगे तो सोचो कितना बुरा हाल होने वाला है, मतलब आगे तो भैया बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे तो फोन को नीचे करना पड़ा थोड़ा सा, बट जस्ट इमेजिन आगे क्या हाल होगा। आगे क्या अब दिखना स्टार्ट हो चुका है, हाल तो भयंकर है भाई। एंड आई थिंक नारकंडा तक ही काइंड ऑफ ऐसा ही रहेगा मुझे लगता है, उसके बाद रामपुर है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा।